गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में सीखने वाले हैं मल्टीपल में जीरो निकालने की। क्लास टू है ये। अगर आपने क्लास वन नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा। क्लास टू में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास वन के आगे वाले क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने क्वेश्चन किया गया, दो गुणे चार गुणे छः गुणे आठ गुणे दस गुणे बारह डॉट डॉट पचास को यदि आपस में गुणा कराएं तो प्राप्त उत्तर में अंत में जीरो कितने होंगे। दो गुणे चार गुणे छः गुणे आठ गुणे दस गुणे डॉट डॉट पचास को आपस में गुणा कराएं कितने जीरो होंगे। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें सारे सम नंबर लिखे हैं और दो से पचास तक ये नंबर दस है, बीस है, तीस है, चालीस है, पचास है, जहाँ पर हमें पाँच मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे पाँच की बात करें तो एक है, पाँच की बात करें तो एक है, यहाँ पर पाँच एक है, यहाँ पर और यहाँ पर दो है। टोटल पाँच की बात करें तो कुल पाँच कितने हैं, छः है। सब नंबर बहुत ज़्यादा हैं तो जीरो कितने हैं, छः है। जीरो कितने हैं, छः है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए। अगला कैसे एग्जाम में आसानी से करेंगे ये एक बार देखें, कैसे आसान करेंगे। आप क्या करें, इन सभी से दो कॉमन ले लें। दो मल्टीपल में हैं तो दो सबसे कॉमन ले लें। जब आप दो सबसे कॉमन ले लेंगे, दो की पावर कुछ कॉमन आएगा, दो की पावर कितना है इसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। आपने जब सबसे दो कॉमन लिया तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट 25 तक बचा। और आप सबने इसको सॉल्व करना सीखा था पहली क्लास में। ध्यान दीजिए क्या सीखा था, 25 तक दिया है, 5 का भाग दिया, 5 बार गया, फिर 5 का भाग दिया, 5 6 मिले, सम नंबर बहुत ज़्यादा तो जीरो कितने, 6। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा। जब सीरीज सम नंबर की होगी सभी लोग कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए और समझिए। अगला क्वेश्चन बोला कि दो गुणे चार गुणे छः गुणे आठ। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का पहले आंसर आप लोग कमेंट करिए, पहले सॉल्व करिए, इसके बाद आगे देखिएगा। ये लिखा है दो गुणे चार गुणे छः गुणे आठ गुणे डॉट डॉट सौ को आपस में गुणा करें अंत में कितने जीरो होंगे। आपने देखा इन सभी से अगर हम दो कॉमन ले लें, सभी से दो कॉमन ले लें तो अंदर होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 कितना मिलेगा, 50 तक मिलेगा। और ये क्वेश्चन हम लोग सीख चुके हैं कि एक से 50 तक को गुणा कराना हो तो 50 से 5 का भाग दें 10 बार, फिर से 5 का भाग दें 2 बार, टोटल 5 कितने मिले, 12। सम नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं तो जीरो कितने हुए, 12। जीरो कितने हुए, 12। उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप सबने इतना नोट कर लिया होगा, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है दो गुणे चार गुणे छः गुणे आठ गुणे दस गुणे डॉट डॉट 500 को यदि आपस में गुणा कराएं तो आप तो उत्तर में अंत में जीरो कितने होंगे, ऐसा आपसे पूछा गया। कैसे करना होगा ध्यान दीजिए, वही तरीका, सभी से दो कॉमन ले लें, अंदर जो मिला 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 250। अब क्या कर रहे हैं, 250 में 5 का भाग दें तो 50 आ गया, फिर से 5 का भाग दें तो 10 आ गया, फिर से 5 का भाग दें 2 आ गया, टोटल 5 कितने मिले, 62। सब नंबर बहुत ज़्यादा तो जीरो कितने, 62। जीरो कितने हुए, 62। मतलब क्या ये बात सबको समझ आ गई है, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, ये सीरीज जो होगी वो ऑड नंबर की होगी, विषम नंबर की होगी। विषम नंबर में ये लिखा है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू डॉट डॉट 101 को आपस में गुणा कराएं कितने जीरो मिलेंगे। देखिए जब भी सीरीज विषम नंबर की होगी तो उसमें 5 तो होगा, 15 में होगा, 25 में होगा, 5 तो होगा, लेकिन जब 2 की पावर की बात करेंगे तो नहीं मिलेगा। 5 होंगे लेकिन सम नंबर नहीं होंगे, लेकिन दोनों में दोनों का होना जरूरी है, जीरो हमें तभी मिलते हैं। यहाँ 5 हैं लेकिन सम नंबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा, इसमें कोई भी जीरो नहीं होगा। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो कैसे करना है वो देखिए, वो समझिए। अगला क्वेश्चन आपको जैसे बोला गया कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू डॉट डॉट कहीं तक दे दिया जाए, कहीं तक दे दिया जाए, जब सीरीज विषम नंबर की है तो आंसर होगा कोई भी जीरो नहीं होगा। जब सीरीज विषम नंबर की होगी तो आंसर क्या होगा, कोई भी जीरो नहीं होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है उसको देखिए। जैसा आपको बोला गया
ये आपको बोला गया कि 101 गुणे 102 गुणे 103 गुणे 104 और ये आपको बोला गया 250 तक, और पूछा गया इसको आपस में गुणा करें कितने जीरो होंगे। आप लोग क्वेश्चन नोट करें, कोशिश करें एक बार। क्वेश्चन है 101 गुणे 102 गुणे 103 गुणे 104 डॉट 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 250 को यदि आपस में गुणा करें तो कितने जीरो मिलेंगे। देखिए सुनिए, तरीका क्या होगा इसमें, आप ऐसा करें कि पहले एक से सॉल्व करें, एक से लेके 250 तक निकालें, फिर एक से लेके इसमें 100 तक घटा लें। 101 से 250 तक है तो क्या बोला, एक से लेके 250 तक निकालें और एक से लेके 100 तक घटा लें। अब एक से 250 तक में तो 250 में 5 का भाग दिया 50 बार, 5 का भाग दिया 10 बार, 5 का भाग दिया 2 बार, 5 मिले 62। 5 कितने मिले? 62। अब हम निकालते हैं 100 तक। जब हम 100 तक बात करते हैं तो 100 में 5 का भाग दिया तो 20 बार, 5 का भाग दिया 4 बार, 5 कितने मिले? 24। 62 में 24 घटा लिया तो 5 कितने बचे? 38। कितने बचे? 38। क्या इतनी बात समझ आ रही है? सम नंबर की संख्या बहुत ज्यादा है क्योंकि हर एक अगला नंबर, हर अल्टरनेट में एक सम नंबर है, तो जीरो की बात करेंगे तो 38 होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि सीरीज एक से न स्टार्ट हो के 20 से स्टार्ट हो, तो क्वेश्चन को इस तरह करते हैं। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, अच्छा सवाल है, एक बार देख लीजिएगा। आप सभी नोट कर लिया होगा, एक क्वेश्चन ऐसा और प्रैक्टिस करते हैं फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया जैसे 51 गुणे 52 गुणे 53 गुणे 54 डॉट 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 200 को यदि आपस में गुणा करें तो प्राप्त उत्तर में अंत में जीरो कितने होंगे। को यदि आपस में गुणा कराएं तो प्राप्त उत्तर में अंत में जीरो कितने होंगे। को यदि आपस में गुणा कराएं तो प्राप्त उत्तर में अंत में जीरो कितने होंगे। कैसे करना होगा? आप शुरुआत करिए एक से, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × डॉट डॉट 200, माइनस करिए 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × डॉट डॉट 50 को आपस में गुणा कराना है एक से लेके 200 तक। तो 200 में आपने 5 का भाग दिया 40 बार, 40 से 5 का भाग दिया 8 बार, 8 में 5 का भाग दिया 1 बार, टोटल अगर हम पाँच की बात करें तो 49 आ गए। अगर हम एक से 50 तक की बात करें तो 50 में 5 का भाग दिया 10 बार, 10 में 5 का भाग दिया 2 बार, टोटल 5 की बात करें तो 12 आ गए। अब 49 में से अगर आप 12 घटा लें तो कितना मिलेगा? 37। कितना मिलेगा? 37। 5 सम नंबर की संख्या बहुत ज़्यादा तो जीरो कितने? 37। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। जब सीरीज कभी 20 से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन को इस तरह करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन कैसे होंगे चलिए उन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा आपको बोला गया कि 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे डॉट डॉट 50 को यदि आपस में गुणा करें प्राप्त उत्तर में अंत में जीरो कितने होंगे। 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 25 गुणे डॉट डॉट 50 को यदि आपस में गुणा कराएं प्राप्त उत्तर में अंत में जीरो कितने होंगे। देखिए ये जो नंबर लिखे गए हैं सारे 5 के मल्टीपल हैं। अगर हम लोग 5 को देखना चाहें, पहले एक बार इसको बेसिक करेंगे फिर इसको आसान करेंगे, तो 5 10 15 20 25 35 25 30 45 25 30 45 देखिए सारे 5 के मल्टीपल हैं। देखो एक मिनट सुनना, 50 तक दिए 5 के मल्टीपल हैं, सारे 5 के मल्टीपल हैं। तो आप सीख चुके थे ना कि जब आपने सीखा था कि टोटल जो 5 यहाँ पे मिलेंगे कितने मिलेंगे? 12। 5 कितने मिलेंगे? देखो ना 5 में 10 में 15 में 20 में 25 में, यहाँ पहले सीख चुके हो ना, 5 कितने मिलेंगे? 12। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें सम नंबर की तो सम नंबर कहाँ कहाँ मिलेगा? 10 में 20 में 30 में 40 में और 50 में। अब 10 20 30 40 50 देखिएगा एक मिनट,
देखो, 5 के मल्टीपल दिए हैं, सम नंबर हमें केवल यहीं पे मिलने वाले हैं। ये लिखा है 2 × 5, तो सम नंबर कितने हैं? 1। ये लिखा है 4 × 5, सम नंबर कितने हैं? 2। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, 2 × 15, तो सम नंबर कितने हैं? 1। ये क्या लिखा है? 8 × 5, तो सम नंबर कितने हैं? 3। ये क्या लिखा है? 2 × 25, तो सम नंबर कितने हैं? 1। ये कितना हुआ? 3, 1, 4, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे जो सम नंबर की बात करें तो सम नंबर कितने हैं? 8। तो क्वेश्चन का आंसर भी कितना होगा? 8। 5 यहाँ पे 12 थे, सम नंबर यहाँ पे कम थे, सम नंबर की संख्या 8 थी, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? 8। कैसे आसान कर सकते हैं ये सुनिएगा। देखिए, इन सभी से 5 कॉमन ले लें। आपने 5 कॉमन ले लिए, 5 से सबसे 5 कॉमन लेना है, तो अंदर होगा 1 × 2 × 3 × 4 × …10 बचा। अब आपको 1 से 10 तक में सब नंबर निकालने हैं, और जब सम नंबर निकालने हो तो 2 का भाग दें। सम का मतलब होता है 2 का मल्टीपल। तो 5 में 2 का भाग दिया, 10 में 2 का भाग दिया, 5 बार गया। 5 में 2 का भाग दिया तो 2 बार गया, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 बार गया। ये तरीका होता है सम नंबर निकालने का। तो यहाँ पे 5 आपने 12 निकाल लिए थे, सम नंबर 8 हो गए, 0 कितने हो गए? 8 हो गए। उम्मीद है सभी लोग कर पाओगे, सबको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन UPPCS के 2021 में CSET के पेपर में आया था। उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए, सेम ऐसी क्वेश्चन होगा अगला भी, वो कैसे करना होगा उस पर हम लोग बात करते हैं। आप सबने नोट कर लिया होगा, अगला क्वेश्चन है सेम ऐसे ही है, 5 × 10 × 15 × 20 × 25 × 30 … 60 को यदि आपस में गुणा कराएं कितने जीरो होंगे? सारे 5 के मल्टीपल लिखे हैं, 60 तक लिखे हैं। ध्यान से देखिएगा, देखो 5 के मल्टीपल हैं, 60 में अगर 5 का भाग दो 12 बार, 12 में 5 का भाग दो 14, तो 5 कितने मिल गए? 14। तो मेन टास्क क्या है? सम नंबर निकालना। सम नंबर कैसे निकालेंगे उस पर बात कर लेते हैं। अगर हम सम नंबर की बात करें, सभी से 5 कॉमन ले लें, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 … कहाँ तक बचा? 12 तक। सबसे आपने 5 कॉमन लिए, देखिए 5 कॉमन नहीं है, ध्यान रखिएगा 5 कॉमन नहीं, इंटू में है ये, तो सबसे 5 कॉमन लिया तो 5 की पावर कुछ कॉमन होगा, लेकिन उस पावर से हमें मतलब नहीं होता। अब क्या करना है, तुम्हें 12 तक में निकालने हैं सम नंबर, 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया, तो सम नंबर यहाँ पे 10 मिले हैं। 5 जरूर 14 हैं, लेकिन सम नंबर कितने हैं? 10 हैं। तो आंसर भी कितना है? 10 है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो होगा वो और अच्छे सवाल है, तो ध्यान दीजिए। लिखा है 1 की पावर 1 2 की पावर 2 3 की पावर 3 4 की पावर 4 5 की पावर 5 … 10 की पावर 10 को आपस में गुणा कराने पर कितने जीरो मिलेंगे? 1 की पावर 1 2 की पावर 2 3 की पावर 3 4 की पावर 4 5 की पावर 5 … 10 की पावर 10 को आपस में गुणा कराने पर कितने जीरो मिलेंगे? सुनिए, अच्छा ये तो कहानी आपको पता ही है कि जीरो हमें कब मिलते हैं, जब 5 का गुणा किसी सम नंबर से होता है तभी जीरो मिलते हैं, और कभी भी जीरो नहीं मिलते। 1 से 10 तक में 1, 5 और 1, 10 है, ये ऐसे नंबर हैं जहां पर हमें 5 मिलेगा। 5 की पावर 5 है, 10 की पावर 10 है, इस 5 में 5 5 है, 10 में भी 5 एक ही तो है, और 1 है, पावर कितनी है? 10 है, तो कितने मिल गए? 10। टोटल 5 कितने मिले? 15। सम नंबर बहुत ज़्यादा, तो जीरो कितने? 15। फिर एक बार समझा रहे हैं, 1 से 10 तक में 2 ही नंबर ऐसे हैं जहाँ पर 5 मिलेंगे, वो 2 नंबर कौन कौन से हैं? 5 और 10। 6 में तो 5 होगा नहीं, 7 में होगा नहीं, तो 5 की पावर कितनी है? 5। तो 5 की पावर 5 है, मतलब 5 5 है, और 10 में 5 कितने हैं? 1 है, पावर 10 है, तो 5 कितने हैं? 10 है। टोटल 5 कितने हैं? 15। सम नंबर बहुत ज़्यादा, तो जीरो कितने हैं? 15। क्या समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन एक सेम ऐसे ही आपके सामने है। सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे, कोशिश करिएगा कि आपको आंसर लिखना है, कमेंट करना है, ध्यान दीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन है, और ये बहुत आसान सवाल लिखा है कि 1 की पावर 1 2 की पावर 2 3 की पावर 3 4 की पावर 4 5 की पावर 5
6 की पावर 6 डॉट 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 20 की पावर 20 को हल करने पर कितने जीरो मिलेंगे, 20 की पावर 20 को हल करने पर कितने जीरो मिलेंगे, कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए कैसे करना होगा। देखिए यहाँ पे 1 से लेके 20 तक ये चार नंबर ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें 5 मिलता है। 5 की पावर 5 होगा, 10 की पावर 10 होगा, 15 की पावर 15 होगा, 20 की पावर 20 होगा। इसके फैक्टर में तो एक ही 5 है प्लस 5 पावर 5 है इसलिए 5 5 हो गए। फैक्टर में एक ही 5 है पावर 10 है इसलिए 5 10 हो गए। फैक्टर में एक ही 5 है पावर 15 है इसलिए 5 15 हो गए। फैक्टर में एक ही 5 है 20 के फैक्टर में 5 तो एक ही है ना, और पावर कितनी है 20 है, पावर कितनी है 20 है इसलिए 20 हो गया। आपने इन सभी को जोड़ा तो ये हो गया तुम्हारा कितना 20, ये 30, 5 कितने हो गए 50, सम नंबर बहुत ज्यादा तो जीरो कितने 50, 5 हो गए 50, सम नंबर बहुत ज्यादा तो जीरो कितने हो गए 50। क्या ये बात सबको समझ आ गई। अगला क्वेश्चन एक ऐसे ही है, सभी लोग फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, जब ना आए तब आगे देखिएगा तब आंसर मैच करिएगा। अगला क्वेश्चन है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6 डॉट 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 50 की 25 की पावर 25 को हल करने पर कितने जीरो मिलेंगे। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5 डॉट डॉट 25 की पावर 25 को हल करने पर कितने जीरो मिलेंगे। तरीका क्या होगा, तरीका देखिएगा। देखिए 1 से लेके 25 तक वो नंबर जहां में 5 मिलते हैं वो आपके सामने कुछ ऐसे हैं, ये वही नंबर तो हैं। यहाँ पे पावर 5 है, पावर 10 है, पावर 15 है, पावर 20 है, पावर 25 है, सेम नंबर की पावर वही है। तो यहाँ पे 5 1 है तो 5 5 हो गए, ये 10 हो गए, ये 15 हो गए, ये 20 हो गए, ये 25 हो गए। ये ध्यान रखिए 25 एक बार और जुड़ेगा, 25 एक बार और जुड़ेगा, ये क्यों जुड़ेगा इस पे ध्यान देना। इस 25 के फैक्टर में 2 5 है और जब इसमें 2 5 है तो 5 25 बार और 5 25 बार, तो एक बार ये हो गया 5 की पावर 25, एक बार अलग से जुड़ेगा क्योंकि 25 तक में एक नंबर ऐसा था जहां 5 हमें 2 बार मिले। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये समांतर श्रेणी है, ये पांचवा पद हो गया एपी का औसत, नहीं हो गया समांतर श्रेणी का औसत, तो इसका योग 75 आ गया। आप सबको जोड़ भी सकते हैं तो भी आ जाएगा, और ये 25 हो गया तो टोटल 5 कितने हो गए 100 हो गए, सम नंबर बहुत ज्यादा तो जीरो कितने 100 हो गए। 5 यहाँ पे 100 हो गए, सम नंबर यहाँ पे बहुत ज्यादा तो जीरो कितने 100 हो गए। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे एक और देखिए, एक और समझिए, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5 डॉट 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 ऐसे आपके सामने लिखा है 50 की पावर 50 को हल करने पर कितने जीरो मिलेंगे। करिए 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6 और 50 की पावर 50 को हल करने पर कितने जीरो मिलेंगे। उम्मीद है आप लोग समझदार हो गए होंगे कैसे करना होगा, एक मिनट ये देखिएगा। 1 से 50 तक में 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 अब सीधे 50 तक जोड़ लीजिए, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं। 5 प्लस 10 प्लस 15 डॉट डॉट सीधे 50 तक जोड़ लीजिए, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं। 50 तक में दो नंबर ऐसे हैं जहां 5 दो बार मिलेंगे, वो दो नंबर हैं 25 और 50, कौन कौन 25 और, तो प्लस यहां पे 25 करिए प्लस यहां पे 50 करिए। उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ रही होगी। ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में पदों का योग Sn बराबर n a प्लस l बाई 2 सबने बढ़ा होता है। n यहां पे पदों की संख्या होती है, a पहला पद होता है, l अंतिम पद होता है। 5 से 50 तक n का मान 10 हो गया, 5 से 50 तक n का मान कितना 10 हो गया। पहला पद 5 हुआ, अंतिम पद 50 हुआ, बटे कितना 2 किया ये देखा तो 55 गुणे 5 मिला जो कि 275 मिला। और इसकी अगर हम बात करें तो ये आपको 100 मिला, 275 और 100 5 कितने 375 मिले, सम नंबर बहुत ज्यादा आंसर 375 मिला, आंसर कितना 375 मिला।
एक बार और समझा रहे हैं, सुनिए। देखिए यहाँ पे हम आपको समझाना चाह रहे हैं, 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, 25 की पावर 25, डॉट डॉट 50 की पावर 50, कुछ ऐसे ही तो बनेगा। 5 की पावर 5, 5 एक ही बार है तो 5 मिले, 10 की पावर 10, 10 में एक ही 5 है तो 10 मिले, 15 में एक ही 5 है तो 15 मिले। वो नंबर जो आओ 1 से 50 तक, ऐसे दो नंबर हैं जहां 5 दो बार मिलते हैं, वो नंबर है 25 और 50। 25 और 50 लिखा, जोड़ लिया, क्वेश्चन का आंसर। एक बार दोबारा समझा रहे हैं, हो सकता है कुछ जोड़ने में गलती हो गई हो, देख लीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। समांतर श्रेणी में एस एन बराबर एन ए प्लस एल बाई टू, एन यहाँ पे 10 हो गया, पहला पद 5 हुआ, अंतिम पद 50 हुआ, बटे 2 किया तो ये हो गया तुम्हारा 55 गुणे कितना 5, 25 और 2 27, 275, क्या यहाँ तक ठीक है? तो ये हो गया 275 प्लस ये कितना है 100 नहीं था तो 75, कुल कितना हुआ 350। जब ये 350 हुआ तो 5 यहाँ पे 350 है, सब नंबर बहुत ज़्यादा तो 0 कितने हो गए 350। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक सेम ऐसे ही है, यहाँ पे आपको दिया है 100 की पावर 100 तक, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, डॉट डॉट 100 की पावर 100 को हल करने पर कितने जीरो मिलेंगे। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, डॉट डॉट 100 की पावर 100 को हल करने पर कितने जीरो मिलेंगे। देखिए सुनिएगा, थोड़ा समझिएगा। 5, 10, 15, 20, 25, डॉट डॉट 100, इन सबको जोड़ लीजिए, प्लस कर लीजिए, जहां 5 हमें दो बार मिलते हैं वो नंबर 100 तक केवल 4 होते हैं। आप बहुत बार सीख चुके हैं 100 तक नंबर कितने होते हैं, 4, कौन कौन से, 25, 50, 75 और 100। ये समांतर श्रेणी एस एन बराबर एन, एन का मान 20, ए पहला पद, अंतिम पद, बटे 2, ये आ गया 1050, क्या यहाँ तक ठीक है? इसको ध्यान से देखिए, ये आपका कितना हो गया 100, ये कितना 150, टोटल हो गया 250, टोटल 5 कितने मिले 1300, सब नंबर बहुत ज़्यादा 0 कितने 1300। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ आ गई होगी, उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप इसके और अच्छे क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए, अगर आप चाहें इसके अच्छे क्वेश्चन मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं इस टाइप के आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन पे एक वीडियो बना दूंगा। जो आपको नहीं आते होंगे, आपके किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हों, आप मुझे भेज दें, मैं इनकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि उसमें कुछ नया सीखने के लिए, तो मैं आपको नया बता दूं, और नया क्या होगा, इस समय के पैटर्न कुछ ऐसा चल रहा है, 1 की पावर 50, 2 की पावर 49, 3 की पावर 48, 4 की पावर 47, डॉट 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 50 की पावर 1, मतलब अब क्या कर रहा है, 20 अलग देगा, पावर को उल्टा करेगा, नए पैटर्न में क्वेश्चन ऐसे आने हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन चाहिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और ये बताएं सर हमें एक वीडियो और चाहिए, तो मैं आपको अच्छे क्वेश्चन सिखा दूंगा। थैंक यू।